हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इंजीनियरिंग ड्रॉइंग से रिलेटेड इसके पहले स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा द वन साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 30 mm साइड इज इन HP व्हाइल द अपोजिट साइड इज 45 mm अबव द HP एंड इंक्लाइंड 30 degrees टू VP। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड फाइंड इट्स सरफेस इंक्लिनेशन विथ HP। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेन दिया है 30 mm साइड का। क्वेश्चन में लिखा है अ हेक्सागोनल प्लेन ऑफ 30 mm साइड हैज साइड इन HP। इसका मतलब हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड का है और उसका एक साइड HP में है। और आगे लिखा है अपोजिट साइड इज 45 mm अबव द HP। इसका मतलब जो साइड HP में है उसका अपोजिट साइड वो 45 mm अबव द HP है एंड इंक्लाइन 30 degrees टू VP। मतलब जो अपोजिट साइड 45 mm अबव द HP है वही अपोजिट साइड 30 degrees इंक्लाइन टू VP है। आगे क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड फाइंड द सरफेस इंक्लिनेशन एंगल विथ HP। इसका मतलब हमें इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और ये जो प्लेन है ये प्लेन कितना डिग्री से इंक्लाइन है, इसका मतलब सरफेस कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो हमें फाइंड आउट करना है, इट मीन थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताए थे कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है ट्रू शेप ऑफ प्लेन, देन सेकंड ड्रॉ करना है ट्रू लेंथ, देन थर्ड ड्रॉ करना है सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, देन फोर्थ हमें ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, और फिफ्थ हमें अटेम्प्ट करना है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। तो ये सब स्टेप्स हम आपको एक बार फिर से लिख के बता देते हैं हमें क्या क्या सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है ट्रू शेप ऑफ प्लेन, सबसे पहला काम होता है ट्रू शेप ड्रॉ करना। सेकंड होता है ट्रू लेंथ ड्रॉ करना, ट्रू लेंथ हमें ड्रॉ करना है। थर्ड होता है सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, हम यहां लिखेंगे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, ये थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप होता है फ्रंट व्यू या टॉप व्यू जो भी है वो ड्रॉ करना, और फिफ्थ स्टेप होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। मतलब या तो आप ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन से सॉल्व करो या तो नॉर्मल प्लेन से सॉल्व करो, चॉइस आपकी है। तो आप लास्ट स्टेप से सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह की स्टेप्स होती है। हमने आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक प्रॉब्लम इसके पहले करा के दिए थे। इसके पहले जो हमने एक प्रॉब्लम कराए थे वो पेंटागोनल प्लेन का था, और वो पेंटागोनल प्लेन का प्रॉब्लम हमने ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन से बना के दिए थे। लेकिन हमने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो हम जनरल प्लेन इट मीन नॉर्मल प्लेन से बनाएंगे। तो चलो आज का प्रॉब्लम हम नॉर्मल प्लेन से बनाएंगे, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन से नहीं बनाएंगे। आप चाहे तो उसको ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जैसा कहा था कि सबसे पहले आपको ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रॉ करना है, तो चलो हम सबसे पहले ट्रू शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ट्रू शेप हेक्सागोनल प्लेन दिया है तो हेक्सागोन का ट्रू शेप हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन हेक्सागोन अगर आपको ड्रॉ करना है तो किस टाइप का हेक्सागोन ड्रॉ करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो टाइप के हेक्सागोन होते हैं। देखिए दो टाइप के हेक्सागोन, या तो आप हेक्सागोन ऐसा बना सकते हैं, ये देखिए ये एक ऑप्शन है आपके पास हेक्सागोन ड्रॉ करने का, या तो आप हेक्सागोन ऐसे बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हेक्सागोन आप बना सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि हेक्सागोन दोनों में से कौन सा ड्रॉ करना, क्योंकि ये हेक्सागोन में लेफ्ट साइड में यहां पे कॉर्नर है और ये हेक्सागोन में लेफ्ट साइड में यहां पे वर्टिकल एज है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ करना है या ये, तो उसके लिए भी हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का फर्स्ट वीडियो याद करो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने यही प्लेन्स के बारे में स्टडी किए थे और पूरा बेसिक आपको बताए थे। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम हो, या तो पेंटागोनल प्लेन हो, या तो हेक्सागोनल प्लेन हो, या तो स्क्वायर प्लेन हो, आप इस टाइप का बनाएंगे, इट मींस कॉर्नर वाला ड्रॉ करेंगे या वर्टिकल एज वाला ड्रॉ करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हमने उसमें क्लियर करा के दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो याद से देखिए। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के प्लेलिस्ट का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो चलिए फिलहाल अभी हमें जो प्लेन ड्रॉ करना है वो कौन सा प्लेन ड्रॉ करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड हैज साइड इज इन HP, हेक्सागोनल प्लेन का साइड इन HP है, साइड इन HP है, इट मींस हम ये साइड वाला हेक्सागोन बनाएंगे।
ये देखिए इसका लेफ्ट साइड में वर्टिकल साइड है तो हम ये हेक्सागन बनाएंगे, क्योंकि हमने आपको कहा था अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन एचपी या एज इन एचपी, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन एचपी हो या साइड पैरेलल टू एचपी हो, साइड इन वीपी हो या साइड पैरेलल टू वीपी हो, एज इन एचपी हो या एज पैरेलल टू वीपी हो, तो ये साइड वाला बोलो या एज वाला बोलो, जब भी एग्जाम में आता है तो आपको साइड वाला इट मींस एज वाला आपको हेक्सागन ड्रॉ करना है। ये देखिए एज वाला जिसके लेफ्ट साइड में, देखिए जिसके लेफ्ट साइड में वर्टिकल एज हो, देखिए यहां पे ये जो हेक्सागन है इसके लेफ्ट साइड में यहां पे एक कॉर्नर है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉर्नर इन एचपी या कॉर्नर इन वीपी तो आप कॉर्नर वाला हेक्सागन बनाओ, लेकिन अभी फिलहाल लिखा है साइड इन एचपी तो हम ये हेक्सागन बनाएंगे जिसके लेफ्ट साइड में वर्टिकल साइड हो। तो चलो फाइनली ये हेक्सागन ड्रॉ करेंगे एज अ ट्रू शेप, क्योंकि हमें पहला स्टेप है ट्रू शेप फाइंड आउट करना, हमें सबसे पहले ट्रू शेप ड्रॉ करना है। तो चलो हम ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे, ये हेक्सागन हमें ये हेक्सागन ड्रॉ नहीं करना है, हम इसको क्रॉस करेंगे, हमें ये हेक्सागन ड्रॉ करना है। लेकिन ट्रू शेप ड्रॉ करना है तो कहां पे ड्रॉ करना, एक्स वाई लाइन के ऊपर या एक्स वाई लाइन के नीचे, वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। हमने बताए थे कि अगर क्वेश्चन में दिया है साइड इन एचपी, एज इन एचपी, कॉर्नर इन एचपी, सरफेस इंक्लाइन टू एचपी या प्लेन इंक्लाइन टू एचपी, देन ऑलवेज ड्रॉ ट्रू शेप इन एचपी, इट मींस एक्स वाई लाइन के नीचे, ये हमने बताए थे। तो यहां भी क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में यहां क्लियर कट लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन में लिखा है अ हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड हैज साइड इन एचपी, क्वेश्चन में लिखा है साइड इन एचपी, इसका मतलब हमें यहां पे ट्रू शेप ड्रॉ करना है एचपी में, इट मींस एक्स वाई लाइन के नीचे, ये कंफर्म होता है। तो चलो एक्स वाई लाइन के नीचे हम ये हेक्सागोन बनाएंगे जिसके लेफ्ट साइड में वर्टिकल साइड हो, क्योंकि साइड इन एचपी है तो हम ये बनाएंगे। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन इट मींस एक्स वाई लाइन, इसके बिना तो कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। और यहां कहीं पे भी एक पॉइंट लेके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि हमें जो हेक्सागन ड्रॉ करना है वो हेक्सागन के साइड्स परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि हमें साइड वाला हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, और अब ये परपेंडिकुलर लाइन पे हमें हेक्सागन का साइड रखना है, हेक्सागन 30 mm साइड का है, तो ये हम 30 mm साइड का हेक्सागन बनाएंगे। ये हमने हेक्सागन ड्रॉ कर लिए है 30 mm साइड का एज ए ट्रू शेप, और इसको नेमिंग दे देंगे ए, देन बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो हमें ये ट्रू शेप यहां पे मिल चुका है, हम इसके अंदर लिखेंगे टी एस, दैट इज ट्रू शेप ऑफ प्लेन, और अब सभी पॉइंट्स हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हम यहां पे ट्रू लेंथ शो कर सकें। तो हमने हेक्सागन के सभी प्रोजेक्शंस ऊपर लेके गए हैं, और अब हमें ऊपर ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है, क्योंकि सेकंड स्टेप हमने लिखा है टू ड्रॉ द ट्रू लेंथ, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया ट्रू शेप ड्रॉ करने का, सेकंड हमें ट्रू लेंथ ड्रॉ करना है। ट्रू लेंथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ट्रू लेंथ या तो इन एक्स वाई ड्रॉ होता है या तो पैरेलल टू एक्स वाई ड्रॉ होता है। इन एक्स वाई कब ड्रॉ करते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है साइड इन एचपी या एज इन एचपी तो आपको ट्रू लेंथ भी इन एचपी ड्रॉ करना है, इट मींस इन एक्स वाई, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है साइड पैरेलल टू एचपी या एज पैरेलल टू एचपी तो ऐसे में आपको ट्रू लेंथ भी एचपी को पैरेलल, इट मींस एक्स वाई लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करना है। अभी फिलहाल क्वेश्चन में लिखा है अ हेक्सागोनल प्लेन हैज साइड इन एचपी, तो हम यहां पे ट्रू लेंथ भी इन एचपी ड्रॉ करेंगे, इट मींस इन एक्स वाई हम ड्रॉ करेंगे। तो ट्रू लेंथ इट मींस एक स्ट्रेट लाइन होगी जो हम इन एक्स वाई यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हमने ट्रू लेंथ बना दिए इन एक्स वाई, हम इसको नेमिंग भी दे देंगे यहां पे, ये बी और ए के प्रोजेक्शंस यहां ऊपर आ गए तो हम इसको कहेंगे बी डैश स्लैश ए डैश, सी और एफ के प्रोजेक्शंस यहां आए तो ये हो गया सी डैश स्लैश एफ डैश, देन डी और ई यहां पे है तो ये हो गया डी डैश स्लैश ई डैश। लेकिन यहां पे डैश लगाना कंपलसरी है क्योंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू अगर ऊपर होता है तो फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट्स में डैश लगाना कंपलसरी है, इसलिए हमने ए डैश बी डैश दिए और नीचे में डैश नहीं है, और हमने ये जो नेमिंग दिए है उसमें स्लैश लगाया है, इट मींस बी डैश बाय ए डैश। ये देखिए आप बी डैश बाय ए डैश ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, या आप बी डैश ए डैश ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, या ए डैश बी डैश लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर ने जो आपको पढ़ाया है आप वो दे सकते हैं, अगर आपको ऐसे स्लैश बना के बताया है तो आप स्लैश दीजिए, अगर आपको बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश ऐसा देने के लिए कहा है तो वैसा ही देके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में। तो चलो फिलहाल हमने यहां पे ट्रू लेंथ ड्रॉ कर लिया है, और अब हमें ये ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना है। ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना यानी ही सरफेस को इंक्लाइन करना, इट मींस हमें स्टेप नंबर 3 यहां पे अटेम्प्ट करना है। स्टेप नंबर 3 में लिखा है सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, इट मींस अब हमें सरफेस को इंक्लाइन करना है। ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करना यानी सरफेस को इंक्लाइन करना, तो क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सरफेस इंक्लिनेशन एंगल क्या है।
आपको अगर यहां टूलेन को इंक्लाइन करना है तो यहां आप टूलेन को इंक्लाइन करना, इट मीन एचपी के साथ इंक्लिनेशन एंगल, तो आपको देखना पड़ेगा कि सरफेस इंक्लिनेशन टू एचपी क्वेश्चन में कितना दिया है। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन में सरफेस इंक्लिनेशन एंगल एचपी के साथ दिया नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है एट द लास्ट, क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सरफेस इंक्लिनेशन एंगल विद एचपी, हमें यहां पे सरफेस इंक्लिनेशन एंगल दिया नहीं है। इट मींस ट्रूलेन को हमें जो डिग्री से इंक्लाइन करना है, जो एंगल से इंक्लाइन करना है, वो एंगल दिया नहीं है, वो एंगल तो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अगर ये एंगल दिया नहीं है तो अब हम इसको कैसे इंक्लाइन करेंगे, तो इंक्लाइन करने के लिए एक कंडीशन दी है एचपी के साथ, तो वो कंडीशन का यूज करके हम इसको इंक्लाइन करेंगे। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ो, अ हेक्सागोनल प्लेन, पहले तो उसने लिखा था अ हेक्सागोनल प्लेन हैज अ साइड इन एचपी, तो वो साइड इन एचपी के बाद में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है अपोजिट साइड इज 45 mm अबव द एचपी, अपोजिट साइड इज 45 mm अबव द एचपी, माने हेक्सागोनल प्लेन का एक साइड एचपी में रखो और उसी का अपोजिट साइड 45 mm अबव द एचपी करो। तो हमें साइड इन एचपी करना है, इसलिए हमने साइड वाला हेक्सागोन बनाया, और हमें ये लेफ्ट साइड का साइड एचपी में करना है। देखिए हम ये एबी साइड को एचपी में करना है, तो देखिए हम ये एबी जो साइड है ये साइड को हम यहां पे एचपी में करेंगे, तो ये देखो यहां पे हमने रखे बी डैश स्लैश ए डैश, यही जो साइड है ये हमने यहां रखे, और अब हम इसको इंक्लाइन करेंगे। जब हम इसको इंक्लाइन करेंगे तो इंक्लाइन करते समय ये जो डीई है ये ऊपर जाएगा, है ना, जब हम इसको इंक्लाइन करेंगे तो ये जो डीई है ये डीई ऐसा ऊपर जाएगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा रहा है वो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि वो जो डीई है वो 45 mm अबव द एचपी है। क्वेश्चन में लिखा है साइड इन एचपी एंड अपोजिट साइड, देखिए साइड इन एचपी और इसका अपोजिट साइड ये जो डीई है ये डीई साइड 45 mm अबव द एचपी है, इसका मतलब ये जो डीई है ये 45 mm ऊपर जाएगा, इतना कंफर्म है। तो ऐसे में हम एक काम करेंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर एक 45 mm ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन पे हम ये टू लेंथ का लेंथ लेके यहां पे रख के वहां कट करेंगे। इट मींस हमें 45 mm ऊपर एक लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पे लोकस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई लाइन के ऊपर 45 mm ऊपर हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हम एक सबसे पहले लोकस ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई लाइन के 45 mm ऊपर। तो ये देखिए हमने 45 mm ऊपर एक लोकस ड्रॉ किए हैं और अब वो लोकस पे हमें ये DE को मार्क करना है। तो DE का लेंथ हम कंपास में लेंगे, इट मींस हम ये ट्रू लेंथ का लेंथ कंपास में ले लेंगे। देखिए ये ट्रू लेंथ का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ये AB के ऊपर रखेंगे और ऊपर वहां पे कट करेंगे तो हमें यहां पे DE मिल जाएगा। देखो हमें यहां पे मिल गया, हम यहां लिखेंगे डी डैश स्लैश ई डैश और अब हम उसको ज्वाइन करके AB के साथ ज्वाइन करके सरफेस इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट करेंगे और हमें यहां पे एंगल मिल जाएगा, हम इसको कहेंगे एंगल थीटा। यही एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम एट द लास्ट हम रिजल्ट में लिख लेंगे, प्रोटेक्टर से चेक करेंगे कि ये एंगल क्या है और वो रिजल्ट में लिखेंगे। और ये सी और एफ भी हमें मार्क करना है, तो सी और एफ का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। ये देखिए सी और एफ का लेंथ लिए, यहां पर रख के हमने सी और एफ का पॉइंट भी यहां पर मार्क कर लिए, तो यहां आ गया सी डैश स्लैश एफ डैश। तो फाइनली हमने सरफेस इंक्लिनेशन एंगल यहां फाइंड आउट कर लिया है और हमने ट्रू लेंथ को यहां पे इंक्लाइन कर लिया है, इट मीन सरफेस को इंक्लाइन कर लिया है और अब हम यहां पे सभी पॉइंट जो भी हमने मार्क किए थे सभी पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और ये जो हमने ट्रू शेप है यहां से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां पे टॉप व्यू मिल जाएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो फाइनली अब हमें यहां पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए ए यहां पे ए का प्रोजेक्टर ये है और ऊपर से ए का प्रोजेक्टर यहां पे मिल रहा है तो ये हो गया ए वन। देन इधर से बी आ रहा है, ऊपर से बी आ रहा है यहां मिल रहा है तो ये हो गया बी वन। देन इधर से सी आ रहा है, ऊपर से सी आ रहा है तो ये हो गया सी वन। इधर से डी आएगा, ऊपर से डी आएगा तो ये हो गया डी वन। इधर से ई आएगा, ऊपर से ई आएगा ई वन और लास्ट में है ये एफ वन। और अब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें टॉप व्यू यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमने ये ट्रू शेप ड्रॉ किए थे तो ये था ट्रू शेप और ये हमें टॉप व्यू मिल गया, तो ये हमने टॉप व्यू यहां बना लिए। और अब हमें नेक्स्ट स्टेज हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑक्सिलरी प्लेन का यूज करो या तो आप नॉर्मल प्लेन से बनाओ। वैसे इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम बनाए थे पेंटागोनल प्लेन का, इसके पहले के वीडियो में उसमें हमने ऑक्सिलरी प्लेन से आपको प्रॉब्लम बना के दिए थे,
और हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में नॉर्मल प्लेन से जरूर बनाएंगे, तो चलिए आज हम नॉर्मल प्लेन से बनाएंगे। नॉर्मल प्लेन से ड्रॉ करना सिंपल है, वैसे क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या इंक्लाइन टू वीपी लिया है, क्योंकि हमने एचपी के साथ एंगल तो यहां पे फाइंड आउट कर लिए, लेकिन वीपी के साथ एक एंगल है जो अभी तक हमने यहां पे ड्रॉ नहीं किया है, तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अपोजिट साइड 45 mm अबव द एचपी, वो तो हमने यहां ले लिए, अपोजिट साइड 45 mm अबव द एचपी वो लिए, लेकिन आगे लिखा है कि इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी, इसका मतलब जो अपोजिट साइड 45 mm अबव द एचपी है वही अपोजिट साइड 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है। तो कौन सा अपोजिट साइड 45 mm अबव द एचपी था, पहले आप वो चेक करो। तो ये देखिए, ये डीई अपोजिट साइड हमने 45 mm अबव द एचपी किए थे, तो जो डीई आपने 45 mm ऊपर किए थे वही डीई को आपको 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी करना है। इट मींस ये देखिए, ये जो डीई है ये डीई को हमें 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है, जो डीई हमने 45 ऊपर किए थे वही डीई हमें यहां 30 डिग्री से इंक्लाइन टू वीपी करना है। तो चलो हम वो बनाएंगे बाय नॉर्मल प्लेन मेथड, बाय ऑक्सिलरी नहीं। अगर हम ऑक्सिलरी प्लेन से अगर ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना है, हमें DE को एक्सटेंड करना है, देन यहां पे ऑक्सिलरी इंक्लाइन एक्सिस हमें ड्रॉ करना है 30 डिग्री पे, और देन यहां के सभी प्रोजेक्टर्स उसके ऊपर शिफ्ट करना है परपेंडिकुलरली, लेकिन वो हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे। अगर आपको ऑक्सिलरी प्लेन मेथड नहीं आता तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें हमने कवर किए थे पेंटागोनल प्लेन का, लेकिन आज हमें तो नॉर्मल प्लेन से ड्रॉ करना है, तो चलिए आज हम नॉर्मल प्लेन से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहां पे XY लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, तो हमने XY लाइन को एक्सटेंड कर लिया है, यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और यहां पे हम 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो ये देखिए, ये हमने 30 डिग्री का एंगल ले रहे हैं और ये 30 डिग्री लाइन पे हम ये हेक्सागन को टिल्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने 30 डिग्री इंक्लाइंड एक प्लेन यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ये नॉर्मल प्लेन है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड टू एक्स वाई है, और अब ये DE को हम वहां पे सेट करेंगे और इसके लिए हम कंपास का यूज करेंगे। देखो कंपास में ये D और E का लेंथ हम ले लेंगे, तो देखो कंपास में D और E का लेंथ ले लिए और यहां D और E जहां आपका मन करे वहां पे इसको रखो, तो ये हो गया E1 और यहां हो गया D1, और अब रिमेनिंग हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। और अब ई से परपेंडिकुलर और डी से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लो, क्योंकि हमें इधर के पॉइंट शो करना है, तो डी से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर और ई से भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, क्योंकि हमें ए और बी यहां पे शो करना है। तो ये ए वन ई वन का हम लेंथ ले लेंगे, देखिए ए वन ई वन हम यहां पे लेंथ ले लिए, ये ई वन पे रखेंगे और इधर कट करेंगे तो हमें इधर ई वन मिल जाएगा, और डी वन पे रख के हम इधर कट करेंगे तो इधर हमें बी वन मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया यहां पे ए वन और इधर हमें मिल गया डी के लाइन पे यहां पे बी वन, और अब इनको फिर हम एफ वन और सी वन यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए ए वन एफ वन का लेंथ ले लेंगे, देखो ए वन एफ वन और ई वन एफ वन का लेंथ सेम है, तो ये ए वन पे रखो, यहां पे इधर एक आर्क बनाओ और ई वन पे रख के वो आर्क पे क्रॉस करो, तो ये देखो यहां पे हमें एफ वन मिल जाएगा, और उसी तरह से यहां बी वन सी वन का लेंथ हम कंपास में लेंगे, यहां बी वन पे रखेंगे और यहां पे हम आर्क बनाएंगे, देन डी वन पे रख के वो आर्क पे क्रॉस करेंगे तो हमें यहां पे नीचे का पॉइंट मिल जाएगा, तो हमें यहां नीचे का पॉइंट मिल रहा है और ये ऊपर का पॉइंट भी मिल गया। अब हम ये हेक्सागोनल यहां पे कंप्लीट कर लेंगे, ये ऊपर का पॉइंट है दैट इज एफ वन और ये नीचे का पॉइंट है दैट इज सी वन। तो इसी शेप को हमने यहां पे रीड्रॉ कर लिया है और क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और हम ये नॉर्मल प्लेन से बना रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि स्टार्टिंग में लिखा था हेक्सागोनल प्लेन हैज वन ऑफ इट्स साइड इन एचपी, तो ये हम साइड जो है ए बी यहां पे इन एचपी कर रहे हैं, और अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड 45 mm अबव द एचपी एंड इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी, तो जो अपोजिट साइड हमने 45 mm ऊपर किए डीई, वही डीई को हमने यहां पे 30 डिग्री इंक्लाइन कर लिए, और अब हम यहां के सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर लेके जाएंगे, इधर के प्रोजेक्शन इधर लेके आएंगे, तो हमें यहां पे नया फ्रंट व्यू मिलेगा और वहां पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहां पे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली प्रोजेक्टर्स हमने यहां ड्रॉ कर लिया है और अब हमें यहां पे सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए ए इधर से आ रहा है, ए इधर से आ रहा है, तो यहां मिलेगा, ये मिलेगा हमें ए वन डैश, देखिए हम यहां पर नेमिंग दे देंगे ए वन डैश, फ्रंट व्यू है नया इसलिए अब यहां पे डैश लगाना कंपलसरी है, देन इधर से बी जा रहा है, इधर से बी जा रहा है, यहां पे मिल रहा है तो ये मिल रहा है बी वन डैश, देन इधर से सी जाएगा और इधर से सी आएगा, यहां मिलेगा सी वन डैश, देन इधर से डी जाएगा, इधर से डी जाएगा तो ऊपर हमें मिलेगा डी वन डैश,
देन इधर से ई आएगा और इधर से ई आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे ई वन डैश। और अब हम सभी को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा एक और पॉइंट है, सॉरी एक और पॉइंट एफ एफ वन डैश, तो यहाँ पे एफ इधर से जाएगा, एफ इधर से आएगा तो यहां मिलेगा हमें, तो ये मिल गया एफ वन डैश। और अब हम यहाँ पे सभी को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें यहाँ पे नया फ्रंट व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे नया फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। तो ये है नया फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। तो फाइनली इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा उसका सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने कहा था कि पहले ट्रू शेप ऑफ प्लेन ड्रॉ करना, तो ट्रू शेप ऑफ प्लेन ये है। देन हमने कहा था ट्रू लेंथ ड्रॉ करना, ट्रू लेंथ ये है इन एक्स वाई। देन हमने कहा था सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, इट मीन ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करो, तो वो हमने यहां पर कर लिए। देन हमने कहा था कि फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में से एक ड्रॉ करना होता है, तो टॉप व्यू हमने ड्रॉ किया, इसके बाद वो ये है। देन वो टॉप व्यू को हमने रीड्रॉ किए 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे। देन हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिए, हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे नॉर्मल प्लेन का यूज करके यहाँ पे हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम नंबर टू। इसके पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक प्रॉब्लम लिए थे जिसमें हमने पेंटागोनल प्लेन को स्टडी किए थे। उसके भी पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक बेसिक लेक्चर लिए थे जिसमें हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए थे। तो अगर आपने इसके पहले के वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए और पूरी तरह से उसको स्टडी कर लीजिए। उसी के साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।